हेलो दोस्तों, अगर आप लोग शहनाज गिल के फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। दोस्तों, आज के आने वाले एपिसोड में शहनाज गिल होने वाली हैं काफी ज्यादा गुस्सा, क्योंकि दोस्तों कैप्टेंसी टास्क रद्द होने की वजह से आसिम, पारस और मायरा को पूरे घर के काम करने की सजा दी गई थी बिग बॉस की तरफ से। अब दोस्तों, आज के आने वाला एपिसोड में शहनाज गिल मायरा से कप धोने को कहेंगी, क्योंकि कोई भी कप नहीं धुला हुआ होता। अब दोस्तों, इस पर पारस कहेंगे कि तू खुद धो ले। अब इस पर शहनाज कहेंगी कि घर के काम करने की सज़ा तुम तीनों को मिली हुई है तो मैं क्यों धो लूँ। अब इसके बाद दोस्तों, रश्मि देसाई जो कि आसिम रियाज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त हैं, वो ये देखने को मिलेगा कि वो मायरा शर्मा की सपोर्ट में बोलती हुई नजर आएंगी कि तू बात को समझ, अभी ये तीनों पूरे घर के काम करके बैठे हैं, थोड़ी देर में धो देंगे। अब दोस्तों, यहाँ रश्मि दरअसल मायरा के लिए नहीं बोल रही, वो बोल रही हैं आसिम रियाज के लिए और नाम मायरा का यूज़ करेंगी ताकि मायरा उनको अच्छा समझे। खैर, इसी के बाद पारस छाबरा कहेंगे कि तू शहनाज बेकार के मुद्दे बना रही है और तू फजूल में लड़ना चाह रही है, अभी घर में शांति है लेकिन तुझे मुद्दे बनाने हैं। अब इस पर शहनाज रश्मि पर भी गुस्सा होंगी और कहेंगी कि रश्मि, इसमें तेरा लेना देना कोई नहीं है, तू बीच में मत बोल। अब दोस्तों, इसी के साथ मायरा शर्मा भी शहनाज को बहुत कुछ बोलती हुई नजर आएंगी, जिस पर शहनाज उनके पास जाएंगी और कहेंगी कि तुझे जो काम मिला है तू वो कर खामोशी से और मुझे ये एटीट्यूड मत दिखा। अब दोस्तों, यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज गिल को चुप करवाते हुए नजर आएंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ कौन गलत है और कौन सही, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यही मिलती हैं आपको बिग बॉस 13 से रिलेटेड मज़ेदारी के साथ खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।